दरभंगा जिला के मोरू थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी वीरेंद्र शाह अपने निजी काम से मोटरसाइकिल से कल्याणपुर चौक से परना डरोरी होते हुए अपने घर की ओर आ रहे थे। उसी क्रम में धोबिया डगराहा चौक में अपाची मोटरसाइकिल के पास खड़े दो युवक ने वीरेंद्र शाह को हाथ का इशारा दिया। इशारा देख रुक के वहां जब वीरेंद्र शाह ने अपनी गाड़ी रोकी तो दोनों अपराधी पास आकर देसी कट्टा दिखाते हुए मोटरसाइकिल सहित पास पैसे को छीनकर फुलहट्टा गांव की ओर भाग गए। लूटपाट की घटना को अंजाम देकर तेज रफ्तार से भाग रहे अपराधी रास्ते में अनियंत्रित होकर सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। वहीं दूसरी ओर लूट की घटना के बाद वीरेंद्र शाह दूसरे लोगों की सहायता लेकर लुटेरे का पीछा करते हुए दुर्घटना वाले स्थल पर पहुंच गए और लोगों से अपने साथ हुए लूट की घटना को बताए। इसके बाद लुटेरे ने देसी कट्टा निकालकर फायर करने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रहे और स्थानीय लोग उसे पकड़कर पैर में बांधकर जमकर पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो आज वायरल हो रहा है। पल्सर अति अपाची से ओकर एड्रेस बता रहे हैं पूछू की कहे कहां पर कहे छै हो दीपक भाई हो दीपक हो दीपक वहीं पूरे मामले पर दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि वीडियो हम लोग को मिला है व्हाट्सएप पर और हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं और इसकी जांच करवा रहे हैं। एक बार यह कंफर्म हो जाए यह वीडियो कहां का है और कौन लोग इसमें शामिल है, हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। ये वीडियो हम लोग को मिला है व्हाट्सएप पे और हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, हम इसकी मतलब जाँच करवा रहे हैं। एक बार ये कन्फर्म हो जाए कि वीडियो कहाँ का है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। जो लोग सर इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहे थे, मारपीट कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध सर क्या कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली वो लोग भी अरेस्ट होंगे, वो भी जेल जाएंगे। अभी वीडियो जस्ट हमको मिला ही है तो हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कहाँ का है, घटनास्थल क्या है और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। एक बार वो जाँच पूरी हो जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी।